हाय दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें। जो मेरी लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बात की है ES5, ES6 और ECMAScript 2015 के बारे में। अगर आप इस टॉपिक को जानते हैं सो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जानते, थोड़ा सा भी डाउट अगर आपके माइंड में है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वीडियो के तार मेरे आज के इस वीडियो से जुड़े हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ बेबल। और बेबल से पहले अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि हम जनरली कैसे रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो उसके लिए हम नोड में एक कमांड टाइप करते हैं npm create react app फॉर अपने प्रोजेक्ट का नेम। हालांकि अपने रिएक्ट ऐप को बनाने के हमारे पास कई सारे और तरीके हैं, लेकिन जनरली जो हम आर्टिकल्स में या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में या फिर जो हमने अभी तक सीखा है, तो सबसे आसान तरीका यही है। और दोस्तों, जब हम इस पूरी कमांड को चलाते हैं तो आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट एक काफ़ी सारे टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 5 या 10 मिनट के बाद, या जैसे भी आपके इंटरनेट की स्पीड है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको एक लास्ट में हैप्पी हैकिंग का मैसेज आता है आपके कमांड लाइन पे, जिसे आप समझ जाते हो कि हाँ, अब मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इस पे काम कर सकता हूँ। लेकिन इस 10 मिनट के टाइम में, या फिर जितना भी टाइम आपको आपको रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने में लगा, इस पूरे टाइम के दौरान हुआ क्या? इस पूरे टाइम के दौरान आपके पास एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बनता है, जो कि काफ़ी हैवी लिफ्टिंग होता है, और इसमें कई सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, कई सारे फोल्डर्स होते हैं। और इन फोल्डर्स को अगर मैं आपको बताऊं तो हम इनको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नंबर 1 बेबल, नंबर 2 वेब पैक, और नंबर 3 डेव सर्वर। दोस्तों, आज की वीडियो है बेबल के बारे में, और उसके बारे में ही हम खुल के बात करेंगे, लेकिन वेब पैक क्या है और डेव सर्वर क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डेव सर्वर की। दोस्तों, क्लाइंट साइड में सिर्फ 3 चीज़ें ही रेंडर होती है, नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS एंड नंबर 3 JavaScript, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी सर्वर से उठ के आती हैं, और उनको चीज़ों को कंपाइल होना पड़ता है, और वो कंपाइल होके एक आउटपुट, एक रिजल्ट जनरेट करती हैं, जो कि होता HTML और CSS और प्लेन JavaScript के फॉर्मेट में ही है। यानी कि ऐसे में अगर आप JSX यूज़ करते हैं, या फिर आप TypeScript की फ़ाइल यूज़ करते हैं, SCSS यूज़ करते हैं, तो वो ये सभी फ़ाइल आपका ब्राउज़र नहीं पहचान पाता। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि जो इन फाइलों को कंपाइल करे और एक आउटपुट हमें दे HTML की फॉर्म में। अगर आपने कभी जावा या PHP पे काम किया है, तो जावा में जैसे हम लोग टॉमकैट सर्वर का यूज़ करते थे, और PHP में हम जैम सर्वर का यूज़ करते थे, तो सेम चीज़ वो यहाँ पर भी है। यहाँ पे डेव सर्वर जो हमारे रिएक्ट जो प्रोजेक्ट थे और नोज मॉड्यूल्स में, उसमें काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज इस डेव सर्वर की ही होती हैं। सो अल्टीमेटली डेव सर्वर इज दैट विच क्रिएट द इन्वायरमेंट्स फॉर योर रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो आपकी JSX फाइल, आपकी SCSS फाइल, आपकी TypeScript फाइल, वो कंपाइल होती हैं, रन होती हैं, और एक HTML फॉर्म का आउटपुट आपको मिलता है। तो ये बात रही डेव सर्वर की। अब दूसरी बात करते हैं वेब पैक की। दोस्तों, अब जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारी JSX फाइल, हमारी SCSS फाइल, हमारी बाकी JavaScript की फाइल, तो ये सभी कंपाइल होके इनको एक बंडल बना के सिर्फ एक JS फाइल के अंदर भर दिया जाता है। यानी कि आप कभी अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको व्यू सोर्स में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको bundle.js का लिंक मिलेगा, और इस bundle.js लिंक को बनाने का काम है वेब पैक का। अगर मैं वेब पैक के बारे में कुछ और बात करूंगा तो प्रोबेबली हम लोग आज के मुद्दे से भटक जाएंगे, क्योंकि वेब पैक के बारे में समझने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, और वेब पैक की वजह से ही पूरा रिएक्ट इसी पर डिपेंड है। तो चलिए दोस्तों, वेब पैक की बात किसी दूसरे वीडियो में कभी बाद में करेंगे, और आज बात करते हैं बेबल की। दोस्तों, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारे पास ऑलमोस्ट सभी ब्राउज़र के पास ES5 और ES6 का सपोर्ट है, और ES7, 8 या JavaScript के ES6 के बाद के वर्जन्स का सपोर्ट किसी में है या किसी में नहीं। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम अपनी रिएक्ट प्रोजेक्ट को, अगर सपोज़ हम अपने JavaScript प्रोजेक्ट को किसी ऐसे ब्राउज़र में चलाएं जो कि ES7, ES8 या ES9 या जो भी वर्जन ES6 के बाद का है वो सपोर्ट ना करता हो, और हमने अपने सिंटैक्स ES7 या ES8 के हिसाब से लिखे हो, तो माइट बी प्रॉब्लम आ जाएगी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है बेबल।
बेबल का एक्चुअली काम ही यही है। बेबल हमारे जो जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट सिंटैक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ES6 के बाद वाले, जैसे ES7 के, ES8 के, ES9 के, तो उन सभी को वो कन्वर्ट करता है ES5 और ES6 में, ताकि कोई ब्राउज़र जिस जो कि लेट सपोज ES8 को या ES9 को या ES7 को सपोर्ट ना करता हो, तो वो भी हमारे प्रोजेक्ट को चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल होके चेंज हो चुका है ES5 और ES6 के सिंटैक्स में। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी थ्योरेटिकल समरी, लेकिन थोड़ा और भी चीज़ें मैं कवर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्रेश रिएक्ट का इंस्टॉलेशन किया था बाय यूजिंग द कमांड npm create react app, और यहाँ पे मेरे को हैप्पी हैकिंग का मैसेज आ गया, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ऊपर देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ था रिमूव्ड वन पैकेज एंड ऑडिटेड 1951 पैकेज। दोस्तों जैसे ही रिएक्ट में कोई अपडेशन वगैरह होता है तो इन पैकेजेस की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये सारे पैकेजेस हमें मिलेंगे हमारे नोड मौजूद फोल्डर के अंदर, और ये काफ़ी हैवी लिफ्टिंग फोल्डर बन जाता है इतनी सारी डिपेंडेंसीज आने के बाद। लेकिन अगर मैं इसको अभी मिनिमाइज करता हूँ और दूसरे आपको फोल्डर पे मैं आपका फोकस लाना चाहता हूँ, वो है SRC। हम जितनी भी कोडिंग प्रैक्टिसेस हमारी किसी रिएक्ट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम जितनी भी कोडिंग लिखते हैं वो सारे इस SRC फोल्डर के अंदर लिखते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने इस रिएक्ट प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया तो मुझे एक बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट मिला जो कि मेरा स्टार्टर कंपोनेंट भी है, और वो है app.js। अभी के लिए मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड डाउन करके मिनिमाइज करता हूँ, और मैं दिखाता हूँ अपना हमारा स्टार्टर कंपोनेंट जो कि है ऐप कंपोनेंट। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारे यहाँ पे JSX रिटर्न हो रही है, ये एक्चुअली देखने में HTML जैसी है, बट दिस इज नॉट HTML, दिस इज कॉल्ड JSX। और JSX को JavaScript में ट्रांसफर करना, उसको कंपाइल करना, उसको चेंज करना JavaScript के ES5 और ES सिंटैक्सेस के हिसाब से, ये भी काम बेबल का है। तो अभी के लिए जो हमारे पास यहाँ पे JSX रिटर्न हो रहा है, इसमें div एलिमेंट के अंदर हमारे पास पूरा हेडर टैग है। चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं इस हेडर टैग को फिलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब हम इस JSX को कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं ES5 और ES6 सिंटैक्सिस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने ब्राउज़र पे बेबल की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि बेबल इज जावास्क्रिप्ट कंपाइलर, यहाँ पे पहले इन्होंने बड़ा बड़ा लिख दिया है H1 हेडिंग टैग के। कोई बात नहीं, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम जो अभी इंटरेस्टेड हैं वो है इस ट्राई आउट फीचर। तो अभी हम जब इस ट्राई आउट फीचर पे जाएंगे तो आपके पास एक यूज़र इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम JSX का कोड लिखेंगे, अपना ऐप कंपोनेंट यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे उसका इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही करते हैं, मैं यहाँ से अपना इस ऐप कंपोनेंट को उठा लेता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ। जैसे ही आपने पेस्ट किया तो आप राइट हैंड साइड में कुछ चीज़ देखेंगे, और वो ये देखेंगे कि जो हमारी JSX रिटर्न हो रही थी हमारे कंपोनेंट में, वो अब JSX ना होके यहाँ पे कुछ react.createElement का मेथड रिटर्न हो रहा है जो हमें कुछ रिटर्न कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप सिंपल वेनिला जावास्क्रिप्ट में अगर देखें या आपने कभी जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो जावास्क्रिप्ट से अगर आपको डोम में कोई एलिमेंट क्रिएट करना होता था तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता था क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे क्योंकि हमने एक डिव बनाया, उसकी क्लास दी, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा, तो इसने सेम चीज़ क्रिएट एलिमेंट मेथड से की, जिसमें हमारे पास पहला, इसने तीन पैरामीटर पास किए, तो पहला पैरामीटर ऑफकोर्स हमारे एलिमेंट का नाम, और दूसरा पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्लास का नेम है ऐप, जो हमारा यहाँ पे ऐप है, और तीसरा है हेलो वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा कंटेंट है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि हम ये JSX, हम कोई नया टॉपिक क्यों सीखे, हम यहाँ JSX क्यों लिखे, हम डायरेक्टली इस react.createElement को नहीं लिख सकते। अब मैं ये कहूँगा लिख सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि कल को अगर यहाँ पे कोई टिपिकल HTML हो, यानी अभी के लिए तो यहाँ पे सिर्फ मैंने हेलो वर्ल्ड आपको टाइप करके दिखा दिया, बट रियल टाइम में ऐसा होता है, ये रियल टाइम में लेट सपोज इसमें कोई UL है, यानी कोई लिस्ट है, तो UL को हम कैसे लिखते हैं, तो कुछ मैं UL का सिंटैक्स आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे करके li और इन दोनों li को मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ,
और इसके अंदर फॉर टाइम बीइंग अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ, लेट सपोज इसमें देता हूँ सिटी और यहाँ पर मैं देता हूँ कंट्री। तो दोस्तों अपने राइट हैंड साइड में देखिए कि अब थोड़ा चीज़ें टिपिकल होनी शुरू हो गई हैं। हमारा पहला रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट के अंदर अगेन वही तीन पैरामीटर, और फिर उसके अंदर एक और रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट और साथ में रिएक्ट क्रिएट। तो दोस्तों सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि जैसे आप अपना एचटीएमएल कोड लेंथी करते जाएंगे, जेएसएस का कोड लेंथी करते जाएंगे, तो यहाँ पर ये कोड भी लेंथी हो रहा है। तो रेदर देन जेएसएस की जगह इसको अपनाने के, तो ये थोड़ा देखने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है और लोगों को लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे जीएसएस का यूज़ करते हैं, क्योंकि एचटीएमएल तो आई होप कि सबने पढ़ा ही होगा। वेब डेवलपमेंट में आने से पहले एचटीएमएल ही हमारी फर्स्ट यूनिट होती है किसी वेब डेवलपमेंट को। तो रेदर देन कि हम इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज़ करें, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग जीएसएस। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसमें मैंने आपको दिखाया कि जीएसएस से हम चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने जो हमारे नेटिव जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि ES5 और ES6 के। सो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी और आपको ये पता चला होगा कि हाउ बिबल इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो आज का ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर लेना, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है आज की वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, और आप मेरे को डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू।